हेलो एवरीवन, मेरा नाम आकांक्षा गुप्ता है और मेरा चयन 2022 में रैंक 4 डिप्टी कलेक्टर के रूप में हुआ है। अब 2023 के प्रीलिम्स के लिए केवल 10-12 दिन बचे हैं और ये असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि कहीं प्रीलिम्स पोस्टपोन ना हो जाए, तो अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरी सबसे विनती है कि आप अपना पढ़ाई पर पूरा ध्यान दें, आगे के 10-12 दिन को फुली यूटिलाइज करें जितना भी हो सके मैक्सिमम। मैं अगर होती तो मैं ऐसे करती कि 6 सब्जेक्ट जो हैं, हिस्ट्री, जोग्राफी, पॉलिटी, एनवायरमेंट, इकोनॉमी, इन सबको मैं एक एक दिन देके पूरा रिवाइज करती। इसके अलावा मैं 2 से 3 दिन जो है यूपी स्पेसिफिक को देती, क्योंकि हो सकता है कि इस बार यूपी के रिलेटेड क्वेश्चंस ज़्यादा आए क्योंकि सिलेबस थोड़ा सा मेंस से चेंज हुआ है। इसके अलावा मैं 3 दिन करंट अफेयर्स को देती मिनिमम रिविजन करने के लिए। मेरी विनती है आपसे कि अब नया कुछ ना उठाए, आपने 1 साल या 6 महीने की पढ़ाई में जितना पढ़ा होगा वो सफिशियंट है, उसको अच्छे से रिवाइज करें। इसके अलावा अभी आप कम से कम भी 12 से 13 टेस्ट पेपर जरूर लगाएं, 5-6 आप अभी के लगाएं, जैसे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में यूट्यूब पे डाले हुए होंगे कुछ टेस्ट, आप 5-6-6 वो लगाएं, 5 टेस्ट आप वो जरूर लगाएं, 2018, 19, 2020, 2021 एंड 2022 के यूपी पीसीएस के प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर्स, और 2 से 3 सीसेट के टेस्ट जरूर लगाएं। मेरे ख्याल से अगर आप 10-12 दिन इतना कर लेते हैं मेहनत लगा के, तो ये आपके फुली यूटिलाइज होंगे। किसी भी अफवाह पे बिलीव ना करें आप लोग, और अगर कोई आपको अफवाह लगती है तो आप सीधा आयोग की वेबसाइट पे जाके चेक करें। जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता अपनी पढ़ाई पे पूरा ध्यान दें। थैंक यू।